राकेश, और आज हम आपको ट्यूबलाइट और रईस के बारे में बताने वाले हैं। दोनों में जो है अभी टफ कंपटीशन हो गया। हालांकि लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कि ट्यूबलाइट सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्यूबलाइट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो फुस्स होती हुई दिखाई दे रही है। और अब तक सिर्फ 111 करोड़ का बिजनेस किया है। वहीं दूसरी तरफ रईस ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था, हालांकि सिर्फ 3000 थिएटर्स में रिलीज हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ट्यूबलाइट जो है 4300 थिएटर्स में रिलीज की गई है इंडिया में। तो ये डिफरेंस है रईस और ट्यूबलाइट में। और रईस ने जो है लाइफ टाइम कलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि 137 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शन था और 3000 थिएटर्स में सिर्फ रिलीज हुई थी, तो उस हिसाब से रईस ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था। रईस के सामने काबिल थी, दोनों के बीच में क्लैश हुआ था, दोनों ही फिल्मों ने 100 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन रईस ने कहीं ना कहीं काबिल से आगे निकलकर 137 करोड़ का बिजनेस किया था। तो रईस के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन काबिल की अगर हम बात करें तो काबिल ने 110 से 120 करोड़ तक का बिजनेस किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर इस साल की बात करें तो बाहुबली ने तो अच्छा बिजनेस किया ही है, लेकिन अगर हम आसपास में बात करें, अगर रईस की, ट्यूबलाइट की और काबिल की, तो तीनों ने जो है 100 करोड़ के अंदर और 150 करोड़ के अंदर बिजनेस किया है। लेकिन जॉली एलएलबी ने जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बिजनेस किया, 117 करोड़ का बिजनेस किया था। लाइफ टाइम बिजनेस जॉली एलएलबी 2 का 117 करोड़ था। तो ट्यूबलाइट कहीं ना कहीं अब तक जो है 111 करोड़ तक पहुंची। अभी तक से जो है 4-5 दिन हाथ में है ट्यूबलाइट के। आने वाले समय में और भी फिल्में जो है ट्यूबलाइट के सामने आने वाली है। तो ट्यूबलाइट के सामने सिर्फ अब तक 5 दिन बचे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अभी संडे भी आने वाला है तो वीकेंड पूरा हाथ में है ट्यूबलाइट के। तो ट्यूबलाइट आने वाले समय में और भी अच्छा बिजनेस कर सकती है, लेकिन क्या वो रईस के कलेक्शन को क्रॉस कर पाएगी? क्योंकि रईस का कलेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि 137 करोड़ का बिजनेस किया था लाइफ टाइम में, तो क्या ट्यूबलाइट और रईस का जो बिजनेस है वो मैच करेगा या फिर ट्यूबलाइट पीछे रह जाएगी, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो अगर आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी, ट्यूबलाइट या रईस, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए और हमें आपके रिव्यूज दीजिए कि कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और जुड़े रहे फिल्मी मंत्रा के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।